जी टीवी के सीरियल राधा मोहन में आज मोहन गुनगुन को अपने साथ लेकर आया है। असल में वो गुनगुन को ये बात समझाना चाहता है कि उसके दिमाग में दामिनी ने जो भी गलत फहमियाँ डाली है वो सब झूठ है और राधा ने उसकी माँ का खून नहीं किया है। आज मोहन गुनगुन की सारी गलत फहमियों को दूर कर रहा है और साथ ही उसे ये एहसास दिला रहा है कि राधा उससे कितना प्यार करती है और हर वक्त वो उसके लिए हमेशा उसके साथ खड़ी होती है और उसके खिलाफ कभी भी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरे पापा मुझे इसलिए किडनैप करते हैं कि अभी लेटर्स जो हैं वो दामिनी ने लिखे हैं और मेरे जो मामा बने हैं यानी कि जो मेरी मम्मा हैं तुलसी जो कि भूत हैं उनके जो भाई हैं तो वो मेरे मामा हैं तो उन्होंने और दामिनी मैम ने मिलकर वो लेटर्स लिखे हैं और ऐसा मेरी नानी ने बताया है कि वो मेरी मम्मा ने लिखे हैं तो अब मुझे यही लग रहा है कि वो मेरी मम्मा ने लिखे हैं और उसमें मेरी राधा ने मेरी मम्मा को मार दिया है तो अभी मोहन जो है वो राधा की साइड है कि राधा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है और वो अच्छी है तो फिर वो मुझे किडनैप करके लाता है तो मैं वो मुझे इसी बारे में बताते हैं कि राधा बहुत अच्छी है। मोहन की सारी बातें सुनकर गुनगुन को ये रियलाइज हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसके बाद मोहन राधा की बात करवाता है फोन करके गुनगुन से, जहां गुनगुन राधा से माफी मांगती है और अब ये दोनों मिलकर अपनी राधा को कैसे जेल से बाहर निकाले इसका प्लान कर रहे हैं। हाँ, मुझे रियलाइज होता है कि ये सब करके मैंने गलती कर दी है, सब कुछ बुरा है तो अब हम राधा को जेल में से कैसे निकालेंगे तो अभी हम लोग वही सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।